वेलकम बैक व्यूअर्स, आई लव माई कबूतर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, जैसे कि मैं बड़े दिन बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ और आप लोग को पता ही है कि अभी मैं एक घर से आया हूँ, तो सोचा एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए भेज दूँ। जैसे ये देखिए, एलोवेरा का मतलब पौधा है और हमारे कबूतर जो बड़े प्यार से जो है बाजीगर है, उसके कुछ फ्रेंड हैं, एलोवेरा के पत्ते को खा रहे हैं। यदि आपके भी घर में यदि एलोवेरा का पेड़ लगा हो और आपके कबूतर खाएं, तो यार आप उनको भगाइएगा मत। इनको जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो अपने आप इनका सेंस ले लेता है, और एलोवेरा खा रहे हैं तो इससे कुछ इनको प्रॉब्लम होगा नहीं, फ़ायदा ही होगा। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आपके फल मतलब जैसे एलोवेरा का पौधा लगा हुआ है या मिट्टी खा रहे हैं, तो आप उनको खाने दीजिएगा, ठीक है। अब बाकी जो है न्यूट्रिशन जो मैंने आप लोग को बताया है, मल्टीविटामिन वगैरह आप देते रहिए, बाकी कबूतर आपके स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये काफ़ी घुल मिल गए हैं, इनको सारा कुछ आइडिया पता है कि कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है, तो इसलिए ये इंजॉय करते रहते हैं व्यूअर्स। और पेड़ वगैरह भी कट गए हैं तो आराम से उड़ानबाजी भी हो जाती है। और हमारे जो है कुछ पट्टे तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ये जैसे बच्चे हैं तो इनको तैयार करना है। एक हमारे व्यूअर्स थे, उन्होंने पूछा कि सर कबूतर को कैसे सेट करें। देखिए, कबूतर को सेट करना, जैसे मैंने आप लोग को बालकनी के थ्रू बताया था कैसे बालकनी से इस कबूतर को उड़ाएं, कैसे कबूतर को हिलाएं, आप लोग को पता है। तो व्यूअर्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि कबूतरों को सेट करना यार बहुत ही आसान है। बस आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो आपको थोड़ा सा केयर की ज़रूरत पड़ती है, यदि खास करके यदि आप इस टाइप की बालकनी में हो, तो यदि ऐसे घिरे हुए बालकनी है आपकी, खतरनाक बालकनी है, तो थोड़ा सा केयर करना पड़ता है आपको। केयर के इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा इनको अच्छे से ट्रीट कीजिए, अच्छे इनको डाइट दीजिए, ठीक है। और खाना यदि आप इनको अच्छे दोगे तो ये जब भी आप बुलाओगे, ठीक है, तो वो उस पर आएंगे। जैसे कहने का मतलब है, मैं इनको चना देता हूँ, चने की ये इतने दीवाने हैं, यदि मैं इनको चना दिखा दूँ, यदि मान लो सपोज उस पर बैठ गया वो पहली बार सपोज, तो मैं इनको मैंने अपनी आवाज़ पे सेट किया है, चना जैसे ही मैं दिखाऊंगा ये भागे 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 उस चने को खाने के लिए आ जाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ऐसे कोई भी परिंदे आपको ना, जिस पर वो जिस दाना को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वैसा आप उनको बनाइए। और वो चना कैसे पसंद करते थे, क्योंकि जब बच्चे थे तो मैं चने की इनको फीडिंग कराता था, तो बड़े हो गए तो ऑफकोर्स भाई जो बच्चे में खाएगा तो बड़े में तो वो रहेगा ही, ठीक है। और इस पानी में मैंने वो घोल दिया है जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में मल्टीविटामिन्स का। तो ये जो पानी मेरा जो तैयार है, इसमें मैंने मल्टीविटामिन्स डाल रखा है, इसलिए इस पानी का कलर डिफरेंट है। अब देखिए व्यूअर्स, देख रहे हैं पानी कलर डिफरेंट है, रेड टाइप का है, तो मैंने इसमें डाल रखा है। तो ये आराम से इसमें पानी पीते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर रखा है ताकि इसमें पीट न करें, ठीक है। तो हफ्ते में एक बार दे देता हूँ मल्टीविटामिन्स इनके लिए। और बाकी एक मैं दे के गया था किसी और को, उन्होंने बहुत अच्छे से देखभाल किया, लेकिन उनको पता नहीं था एक बच्चा मेरा उसमें दब के मर गया, जो अभी आप देख रहे हो बाजीगर के दो बच्चे थे, और मैंने बताना भूल गया, उन्होंने केयर नहीं किया, और यदि मैं बताता तो आई होप बच्चे मरते नहीं। तो एक बच्चा जो है दब के मर गया व्यूअर्स। तो कोई नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का चलता रहता है, ठीक है व्यूअर्स। तो बस ये छोटी सी वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आई एम कम बैक, ठीक है, मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अब देखिए, व्यूअर्स का था कि मैं कबूतरों को कैसे ट्रेंड करूं, तो मैंने ट्रेंड की ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उनके लिए स्पेसिफिक डिमांड पे मैं फिर से ये जो बच्चे जो हैं इनको मैं ट्रेंड करके दिखाऊंगा, और यही तरीका रहेगा किसी भी कबूतर को ट्रेंड करने के लिए व्यूअर्स। तो बस बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आई लव माई कबूतर आपका अपना चैनल है, इसको अपना प्यार दिखाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और इसी तरह यूनिक ट्रिक्स एंड ट्रिक आपके लिए लाता रहूँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप अपने कबूतरों को के साथ फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है व्यूअर्स, और आप अपने कबूतरों का अच्छे से इसी तरह केयर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह अपने कबूतरों को अच्छा खाना दीजिए, उनका केयर कीजिए, मतलब उनको प्रॉपर मल्टीविटामिन्स दीजिए। और कुछ कबूतर यदि आपके मनमानी कर रहे हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे कुछ खा रहे हैं, जैसे आगे मैंने आपको दिखाया है, तो उनको रोकिए मत यार, उनकी भी लाइफ है, थोड़ा सा इंजॉय तो करना ही दीजिए। जैसे हम लोग के मम्मी पापा थे, कभी कभी गलतियाँ भी जो करते थे तो हम लोग छोड़ देते थे, वैसे तो ये भी तो आपके बच्चे ही हैं,
तो एज ए इनको बच्चे ट्रीट करिए, एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट कीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं इनको, यदि इधर उधर भटक जाते हैं तो कैसे मैं इनको अपने एक चने पे इनको जो है और अपने पास बुलाता हूँ। प्लीज वेट कीजिए, अभी अभी मैं आप लोग को लाइव दिखाता हूँ। ये देखिए बस, देखिए हमारी आवाज पे सब आने लगते हैं, जो उधर भी हैं इनको पता है कि अब दाना मिलेगा, और मेरी आवाज पे देखिए आ रहे। ये देखिए बाजीगर, ये देखिए सब उधर खा रहे थे, अभी आपने देखा होगा ये उधर जाके आराम से पौधे की मिट्टी खा रहे थे, ठीक है। और आवाज़ लगाया तो देखिए आ गए, इनकी आवाज़ को पता है। ये देखिए अभी मिट्टी खा के आ रहा है, एलोवेरा खा के आ रहा है, देखिए। ऐसे जो है ना, आप अपने कबूतरों से प्यार कीजिए। अब देखिए जब ऐसे अपने कबूतरों को, ऐसे तब होगा जब आप इनको केयर करोगे। केयर का इन द सेंस कि इनका ख्याल रखिए, अच्छी खाना दीजिए, ठीक है व्यूअर्स। देखिए देखिए, वो देखिए सारे के सारे आते हैं, ये थोड़ा पुराने हो गए हैं, वो बच्चे हैं, देखिए देखा वो भी आना शुरू हो जाएंगे। जब आते हैं तो दे दीजिए ऐसे खाने के लिए, देखिए देख रहे हैं व्यूअर्स। तो ऐसे ही हमने कबूतरों को चना खिलाए, चना कबूतरों को बहुत पसंद है, चना सरसों, ठीक है। चना खाएंगे तो हेल्थी रहेंगे, देख रहे हैं वो कितने हेल्थी हैं हमारे। ये मेरा सबसे पुराना वफादार कबूतर बाजीगर, ठीक है व्यूअर्स। बस ये छोटी सी वीडियो थी, कि ये वीडियो था कि आई एम कम बैक, ठीक है। और इसी तरह आपके लिए कि अच्छे, अब जो वीडियो आएगी, अब मेरे जो कबूतर उड़ान करेंगे उनको ट्रेनिंग देना है, तो अब मैं उनको ट्रेनिंग की वीडियो, मतलब कैसे कबूतर को सेट करेंगे, जो हमारे एक व्यूअर्स हैं उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बताया कि भाई कैसे कबूतर को सेट करें उसकी वीडियो बताइए, बनाइए। तो मैं तो बनाऊंगा ही, ठीक है, इसी तरह आप लोग के डिमांड पे, ठीक है व्यूअर्स। बस यही कहूँगा जाते जाते, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपने इन प्यारे कबूतरों का भी ख्याल रखिए, ठीक है व्यूअर्स, ठीक है। इनको हर चीज़ दीजिए जो इनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं लेकिन समझदार बहुत ज़्यादा हैं ये, ठीक है। और माता रानी के पास सब ऑल इज़ वेल होगा, ठीक है। कबूतर पालना जो है शुभ होता है, अशुभ नहीं होता है ये माइंड से आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके कबूतर रहेंगे उतने आप फलेंगे फूलेंगे, ज़्यादा का इन द सेंस कि आप 200-300 नहीं रखना है, आपको 10-12 ही रखना है, क्योंकि शौक का मतलब ही होता है 10-12। 10-12 कबूतर से यदि आप ज़्यादा रख रहे हो तो फिर वो शौक नहीं हो गया, उसके बाद यदि वो आपका बिजनेस में तब्दील हो जाएगा। इसको गौर कीजिएगा, मैं अजमाया हुआ ये बात बोल रहा हूँ। यदि आप शौक के लिए 10-12 कबूतर रखिए, यदि उससे ज़्यादा यदि आप रखते हो ना, तो वो आपका शौक कब बिजनेस में बदल जाएगा या कब जुए की तरफ चला जाएगा आप समझ नहीं पाओगे। तो लिमिटेड में कबूतर रखिए, अच्छा उनको खाना दीजिए, 12 कबूतर रखिए, अच्छा प्रॉपर अच्छा गेहूँ, फ्रेश गेहूँ दीजिए, फ्रेश बाजरा दीजिए, फ्रेश दाना इनको दीजिए, ठीक है। फिर वही 12 कबूतर आपके ना जब आकाश में उड़ेंगे ना व्यूअर्स, तो क्या मज़ा आएगा आपको। अभी मैक्सिमम मेरे कबूतर 6-7 कबूतर उड़ते हैं, तो उनकी भी वीडियो मैं आप लोग को बना के दिखाऊंगा, ठीक है व्यूअर्स। तो बस यही कहूँगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आई लव माई कबूतर यूट्यूब चैनल को। और इसी तरह आपके लिए यूनिक और बेस्ट कबूतर के बारे में जानकारी, रोचक और जो सत्य है उस पर मैं बनाऊँगा, वही मैं आपको बताऊँगा, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, जो सही है जो जेन्युइन है वही मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है व्यूअर्स। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो देखिए बच्चा है, ये भी देखिए ना बच्चा है, ये देख रहे हैं ना, ये भी बच्चा है, तभी इसको भी घर दिखाना है, इसकी भी प्रॉपर वीडियो बनेगी, ठीक है व्यूअर्स। मेरे कबूतरों का शौक कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ये नए नए जो चिक्स आए हैं हमारे घर में, वो कैसे लगे जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय।